की सुबह 7:25 पर जनपद वासियों ने भूकंप के हल्के झटके को महसूस किया। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो नेपाल के भरतपुर में प्रातः 7:25 पर रिक्टर स्केल पर 5.2 पर आए भूकंप के झटके गोरखपुर जनपद में भी महसूस किए गए। इस भूकंप के झटके से किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, जनपद गोरखपुर में प्रातः 7:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस संबंध में जब कई जगहों से फोन कॉल्स आए तो इसको लेकर के इसको प्रमाणित करने की कार्रवाई की गई, जिसमें जो USGS जो साइट है, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है, उसकी वेबसाइट को देखा गया तो उसमें यह पाया गया कि नेपाल में भरतपुर पे आज 5.2 रिक्टर स्केल का भूकंप वहाँ पर आया है, जिसके कुछ झटके यहाँ जनपद गोरखपुर में महसूस किए गए हैं। इसका सत्यापन किया गया और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। सभी जगहों पे सभी चीज़ें यथावत हैं और सुरक्षित हैं। और ये जो झटके हैं, ये अभी कुछ दिन पहले भी अपर स्केल में इसको अनुभव किया गया था बरेली और आदि जनपदों में, लेकिन इस बार जो ये नेपाल में आया हुआ है भरतपुर में, उसकी वजह से गोरखपुर में भी हुई हल्की झटकी।